आज हम मार्केट में जैसी आलू की स्टफ पेटीज मिलती है ऐसी घर पे बनाएंगे। अगर आप थोड़ी सी प्रिपरेशन करके रखते हैं तो बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती है। ये पेटीज आप व्रत और उपवास में खा सकते हैं। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करें। सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार करेंगे। तो मैंने 8 से 10 हरी मिर्च ली है और एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है। उसके अंदर एक कटोरी बारीक कट किया हुआ हरा धनिया डालेंगे, 3 से 4 टेबलस्पून जितना काजू और एक कटोरी भुनी हुई मूंगफली है। इसे हमें बिना पानी डाले ग्राइंड करना है। इसको हमें बहुत ही बारीक ग्राइंड नहीं करना है, लेकिन इस तरह से दरदरा पीसना है और उसके अंदर पानी हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब इस मिश्रण को हम एक बाउल के अंदर निकाल देंगे। अब उसी जार में हम एक कटोरी फ्रेश नारियल लेंगे और उसे भी बिना पानी डाले ग्राइंड कर लेंगे। नारियल को पीसने के बाद उसे भी हम बाउल के अंदर निकाल लेंगे। अब हम इसमें 15 से 20 किशमिश डालेंगे। किशमिश और काजू आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून तिल, 2 से 3 चम्मच जितना अनारदाना, 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी है। अगर आपको मीठा पसंद नहीं है तो आप चीनी स्किप कर सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार और इसमें 1/2 नींबू डालेंगे। अब इसे मिक्स कर लेंगे। हरा धनिया आपको धोकर अच्छी तरह से ड्राई करके लेना है। अगर वो गीला होगा तो जब आप इसे ग्राइंड करेंगे तो वो ज़्यादा गीला हो जाएगा और आपका जो स्टफिंग है वो लूज़ हो जाएगा, तो आपको ये बात का ख्याल रखना है। मिक्स होने के बाद इसके अंदर से हम छोटे छोटे गोले बनाएंगे। आपको जितनी साइज़ की पेटीज चाहिए उससे थोड़े कम साइज़ के ये गोले बनाएं। इस तरह से हम स्टफिंग के छोटे छोटे गोले बनाएंगे ताकि स्टफ़ करते वक्त हमें आसानी रहे। पेटीज के ऊपर के लेयर के लिए यहाँ पर मैंने 300 ग्राम उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को 2 घंटे पहले मैंने उबाल कर रख दिया था ताकि वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और उसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो चला जाए। मैशर से हम इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आलू को उबाल कर तुरंत ही हमें इस तरह से मैश नहीं करना है, नहीं तो वो स्टिक हो जाएगा। अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और 1/2 कप अरारूट डालेंगे। अरारूट आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। अगर आप व्रत और उपवास में अरारूट नहीं खाते हैं तो मोरैये का या तो शिंगाड़े का जो आटा आता है वो भी बाइंडिंग के लिए डाल सकते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। जैसे हम आटा गूंथते हैं इस तरह से इसे गून कर मिक्स करेंगे ताकि आलू और अरारूट अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाए। अगर ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा तो इसके अंदर जब हम स्टफिंग भर के पेटीज फ्राई करेंगे तो फ्राई करते वक्त हो सकता है कि पेटीज ऊपर से टूट जाए और सारा जो स्टफिंग है वो तेल के अंदर आ जाए। 1/2 करके अरारूट डालेंगे और उसे मिक्स करेंगे। जब इस तरह से मिक्स हो जाए तो हाथों में तेल लगा ले और एक गोला बना ले। यहाँ पर मैं मीडियम साइज की पेटीज बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से बड़ी या छोटी कर सकते हैं। इस तरह से हाथों से ऐसा गोल शेप दे दे। अब हम बीच में हमने जो स्टफिंग तैयार किया है वो रखेंगे और इस तरह से चारों बाजुओं को मिला देंगे। अच्छी तरह से इसे सील कर दे ताकि जब भी हम इसे फ्राई करें तो ये खुल ना जाए और अंदर का स्टफिंग बाहर ना आ जाए। तेल गरम हो चुका है तो अब हम पेटीज को फ्राई कर लेंगे। जब ये थोड़ी सी फ्राई हो जाए तो इस तरह से उसके ऊपर तेल छिड़के और इसे चलाते रहे। ये पेटीज बनने में 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है। अच्छी तरह से जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हमें इसे फ्राई करना है। अब देख सकते हैं कि कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर हमारी पेटीज का हो चुका है। तो हमारी पेटीज अभी फ्राई हो गई है तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आप चाहें तो पहले से पेटीज के गोले बनाकर रख सकते हैं और जब आपको सर्व करनी हो तब आप इसे फ्राई करके गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। हमारी पेटीज अभी सर्विंग के लिए तैयार है। आप इसे हरे धनिया की चटनी या मीठी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं।
तो ये जन्माष्टमी पर आप इस तरह से स्टफ पेटीज बनाकर जरूर ट्राई करें और आपके व्यू कमेंट करके बताएं। अगर आज की रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर करें।